हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बसंती मुखर्जी के एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो अभी सुबह का करीब बज रहा है 9 और हम बहुत देर हो गया उठ चुके हैं और उधर बेटा भी उठ गया है। उठ के ओट्स खा के वो पढ़ने बैठ गया है क्योंकि उसका एग्ज़ाम है। हस्बैंड जो है वो अभी कपड़ा धोए हैं, कपड़ा धो के छत पे गए हैं पसारने के लिए। और मैं इधर अपना काम सारा ख़त्म कर चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ किचन में देखने के लिए क्या क्या बनाना है, नहीं बनाना है। तो चलिए साथ में चलते हैं किचन में और देखते हैं कि आज क्या बना रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं हम ले लिए हैं ये गोविंदो भोग चावल। ये गोविंदो भोग है तो इसको अभी हम धो लेंगे। पानी से अच्छी तरह से इसको हम धो लेते हैं। संडे को है ना सब काम में लेट हो जाता है क्योंकि ऐसे भी छुट्टी का दिन है एक ठो, और लेट से उठते हैं तो क्या होता है कि सब काम लेट से शुरू होता है। ठीक है, और उठ के थोड़ा बातचीत भी करते हैं क्योंकि दूसरा दिन तो छुट्टी मिलता नहीं है, तो थोड़ा रिलैक्स होके ही सारा काम करते हैं तो इसीलिए थोड़ा लेट हो जाता है। और संडे का खाना भी दूसरे टाइप का बनता है। डेली का जो नॉर्मल खाना बनता है उस टाइप का तो नहीं बनता है। कभी पुलाव बनेगा तो कभी फ्राइड राइस बनेगा, कभी मटन बनेगा, कभी चिकन बनेगा। पनीर तो है ही, मटन बने चाहे चिकन बने, पनीर तो बनना ही है संडे को। तो इसीलिए बहुत ही लेट हो जाता है, उठने में भी लेट होता है, इधर खाना बनाने में भी लेट होता है, सब काम में जो है लेट हो जाता है। तो ये गोविंदो भोग चावल को हम धो लिए हैं अच्छी तरह से। और इसको क्या किए हैं, ऐसे बड़ा वाला छलनी में इसको हम लोग डाल दिए हैं ताकि जितना पानी इसका है सारा अच्छी तरह से निकल जाए। तो थोड़ा देर ऐसे ही इसको रहने देते हैं ताकि पानी जो है अच्छा से निकल जाए, क्योंकि पुलाव बनाने के लिए जो है पानी रहेगा तो ठीक से बनेगा नहीं। तो अभी थोड़ी देर ऐसे ही इसको रहने देंगे। तो करीब 10 मिनट के लिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था तो इसका पानी जो है देख सकते हैं सारा निकल गया है और सूखा सूखा ये हो गया है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसको हम कटोरी में डाल देंगे। तो ये देखिए कटोरी में इसको डाल दिए हैं और अभी हम इसमें क्या करेंगे, डालेंगे घी। ठीक है, 1 चम्मच के करीब होगा घी। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा गरम मसाला और इसमें हम डालेंगे ये थोड़ा सा हल्दी। क्यों, क्योंकि फूड कलर हम यूज़ नहीं करते हैं। जो फूड कलर कलर होता है ना तो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, जिस वजह से हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। जिस उसके बदले हम हल्दी दे देते हैं, सेम कलर आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे, मसलते हुए इस तरह से मिक्स करेंगे इसको। तो ये देखिए है, अब इसको करीब 10 मिनट के लिए रख देंगे। करीब 10 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं और आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरा सूखा सूखा हो गया है। ठीक है, तो इसको ऐसा ही चाहिए हम लोगों को, तो इसको अभी रख देते हैं। और इसके साथ हम जो अभी देने वाले हैं वो है गाजर। तो गाजर को हम ग्रेट करके रख लिए हैं, एक ही गाजर दिए हैं इसमें। और उसके साथ यहाँ पे लिए हैं काजू और यहाँ पे लिए हैं किशमिश और यहाँ पे लिए हैं गरम मसाला गोटा
तो यहाँ चार इलायची लिए हैं, चार लौंग लिए हैं और एक दालचीनी का बड़ा टुकड़ा लिए हैं। तो यही सब हम लोगों को चाहिए, और हम लोगों को चाहिए होगा चीनी। तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें घी डालेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे घी करीब हम बड़े चम्मच के 2 चम्मच के करीब हम डाले हैं। ठीक, अब जो घी है वो गरम हो जाए और हम लोग तब तक इसमें डाल देते हैं ये गरम मसाला जो है, ये दालचीनी और ये लौंग और इलायची जो है उसको डाल देते हैं। गरम मसाला फ्राई हो चुके हैं, अभी इसमें हम दे देंगे काजू को। अभी धीमी आंच का हम कम कर दिए हैं, अभी इसमें डालते हैं काजू को, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे हल्का सा, आंच धीमी है। अब हल्का सा इसमें कलर आ गया है, अभी इसमें हम दे देंगे किशमिश जो था ये थे उसको, और इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इससे स्मेल जो है किशमिश काजू को ऊपर से ही दे सकते हैं, लेकिन अगर धीमी इसको फ्राई कर लें तो उसका स्मेल जो है वो बहुत ही अच्छा आता है, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। आँच अभी भी धीमी है, धीमे आँच पर ही इन सबको फ्राई करेंगे। और अभी देख सकते हैं आप लोग किशमिश जो है ये देखिए फूल चुका है, बड़ा बड़ा हो गया है। और अभी हम लोग क्या करेंगे, जो गाजर को ग्रेट करके रखे थे उसको इसमें डाल देंगे, और हल्का सा इसको भी चला लेंगे। अभी गाजर को दिए हैं, और इसको देते वक्त ही इसमें हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा नमक जो है वो डाल देंगे। पुलाव में अगर आप नमक नहीं डालेंगे ना तो बिल्कुल खाने में अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए थोड़ा सा नमक इसमें डाल देंगे। और डाल देने के बाद इसको थोड़ा सा और हम लोग चला लेंगे। आँच को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं अभी, और बढ़ा देने के बाद अभी ये चावल रखे थे हम लोग मिक्स करके, ये घी गरम मसाला और इसके साथ, तो उसको इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इस चावल को हम लोगों को थोड़ा देर के लिए भूनना है। तो आपको कब कैसे पता चलेगा कि ये भूज गया है, ये भूनते भूनते आप लोगों को थोड़ा सा साउंड सुनाई देगा, चिड़चिड़ करके साउंड आता है, तो जब वो ऐसे साउंड आने लगे तो समझ जाइए कि ये भूज गया है। जब तक ये भूजता है तब तक हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गरम पानी जो है उसको चढ़ा देंगे ताकि ये गरम हो। और आप लोगों को बताना हम भूल गए थे कि चावल जितना होगा उसका डबल आप लोगों को जो है गरम पानी लेना पड़ेगा। तो मेरा जो यहाँ पे था छोटी कटोरी में ये शोर
छोटी कटोरी में हम लिए थे यहाँ पे 5 कटोरी चावल, इसलिए 10 कटोरी यहाँ पे हम पानी यहाँ पे दिए हैं। तो जितना चावल लेंगे उसका डबल पानी यहाँ पे लीजिएगा। तो गर्म होने देते हैं हमें पानी को। अभी आप लोग देख सकते हैं कि पानी पूरी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अभी इस पानी को क्या करेंगे, हम लोग इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दे रहे हैं। तो ये देखिए इसका कलर बहुत अच्छा आया है, जो हल्दी डाले थे उसका भी, और हम गाजर जो ग्रेट करके डाले थे वो। यानी इससे क्या समझ में आता है कि कोई आर्टिफिशियल कलर हम नहीं डाले हैं। हम कलर इसका किस में बनाए हैं, हल्दी से, और सिर्फ गाजर जो ग्रेट किए थे उसी से इसका कलर आ जाएगा। तो कोई आर्टिफिशियल कलर आपको यूज़ नहीं करना होगा, क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है ना, इसीलिए। उसको ढक देंगे और ढकने के बाद आँच को एकदम धीमी कर देंगे, कम। अभी इसको होने देंगे जब तक इसका पानी जो है सूख नहीं जाता है। पानी सूख जाएगा उसके बाद हम लोग इसमें चीनी जो है उसको ऐड करेंगे। तो तब तक हम लोग वेट करते हैं और इसको हम लोग सूखने देते हैं। तो चलिए अब ढक्कन को खोल के देखते हैं। तो ये देखिए पानी पूरा ही सूख चुका है, और जो गाजर ग्रेट किए थे देख रहे हैं साइड साइड में सब यहाँ पर आ गया है। तो इसको क्या करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसको मिक्स कर लिए हैं। मिक्स करने के बाद अभी क्या, तो जो चावल लिए थे जितना कटोरी, उतना ही कटोरी चीनी हम लोग इसमें ऐड करेंगे, तो ये परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस कटोरी से नापे थे, तो इसी कटोरी में हम पूरे ढाल को चीनी को नाप लेते हैं। तो चीनी को जो है अभी हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। लेकिन ये हो सकता है कि आप लोग जितना मीठा खाते हैं, क्योंकि मीठा तो अलग अलग लोगों को अलग अलग पसंद है, तो आप जितना मीठा खाते हैं उतना ही डालिएगा। ठीक है, उतना ही आप मेज़र करके डालिएगा। लेकिन चावल जितना लिए हैं उतना ही आपको चीनी यहाँ पे डालना हो तो वो परफेक्ट होता है। लेकिन कोई कम भी मीठा खा सकता है, ज़्यादा भी खा सकता है, तो इसीलिए आप अपने अनुसार मीठा को दीजिएगा। अभी क्या करेंगे, चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अभी ये जो चावल जो है वो नरम दिख रहा है ना, धीरे धीरे जब ये ठंडा होगा तो ये चावल जो है एकदम नॉर्मल सा बन जाएगा। ऐसा जो चिपका चिपका लग रहा है ना, तो ऐसा नहीं रहेगा। जब ये ठंडा हो जाएगा तो देखिएगा सारा छोड़ देगा, चावल एकदम अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको उतार देंगे यहाँ पर उतारना हो। और क्या करेंगे, उतारने के बाद इसको हम लोग बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। ठीक है, तो ये बन चुका है, हम इसको भी उतार देंगे फ्लेम टॉप। और अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें उतार देंगे। उतारने के बाद अच्छी तरह से इसको फैला देंगे ताकि इसका भाप जो है धीरे धीरे निकलता रहे। ठीक है, और इसी स्टेज में हम लोग इसको रख देंगे। लेकिन पूरा कोई थाली वगैरह वो सब हम लोग नहीं ढकेंगे, ऐसा चीज़ से ढकेंगे ये ताकि इसका भाप जो है वो निकल सके। ठीक है, तो हमारा जो है पुलाव वो डन है। तो आप लोगों को बस एक ही बात बोलेंगे कि ये डन हो गया है और कुछ नहीं है। इसको रखेंगे और इसको 5 मिनट बाद बाद हल्का से चलाते रहेंगे। तो चलाते रहेंगे ना तो ये चिपकेगा नहीं, पूरा चावल अलग अलग होगा, खिला खिला रहेगा तो अच्छा लगेगा बस, और खाने में अच्छा लगेगा। तो यही मेरा प्रोसेस था।
तो आज का पुलाव हम लोगों का डन हो चुका है। तो आप लोगों का अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो आज मैंने हिंदी एक पुलाव आप लोगों को बनाना सिखाया है जिसमें कलर का यूज़ हमने बिल्कुल भी नहीं किया है। तो ये हेल्दी पुलाव आप लोग का बन के रेडी। तो आज के लिए ब्लॉग यहीं तक है। आप लोग सब अच्छे रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, ध्यान से रहिएगा। टाटा बाय बाय।